अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सवाल ये है कि खावन नशई है और घर सेल करना चाह रहा था, औरत वो घर सेल कर ले और अपने नाम पर दूसरा घर ले ले तो दुरुस्त है? जी हाँ, दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सवाल ये है कि एक महफिल में मुसलमान भी थे और मुशरिक भी थे, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। ठीक है, सलाम करना दुरुस्त है, मुसलमानों को सलाम हुआ, काफरों को नहीं हुआ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पंद्रहवीं को रात में इबादत करना और पंद्रहवीं में दिन में रोज़ा रखना, किताब व सुन्नत खुल के फरमाती है कि ये बिदअत है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कुरान पाक को आहिस्गी से पढ़ने का अजर है। ठीक है जी, दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सवाल है, फौत हो जाए माँ या कोई और दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको जन्नत अल-फिरदौस दे, ठीक है जी, दुरुस्त है। अलैकुम रहमतुल्लाह। जानदारों के साथ हुस्ने सलूक, पोस्ट दुरुस्त है? अच्छा जी। सफर के दौरान लघवियात से बचना, दुरुस्त है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शबे बरात, 15 शाबान की रात को इबादत और दिन में रोज़ा रखना, क्या जायज़ है? बिदअत है, जायज़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पैसों की सूरत में दे दिया जाए फिदिया, अगर दूर है और राशन देकर लेकर देना मुश्किल है तो फिर पैसे दें और वो उससे आटा और राशन ले लें। अलैकुम रहमतुल्लाह। शाबान की 15 रात शबे बरात कहलाती है, मखलूक को गुनाहों से पाक कर दिया जाता है। शबे बरात के हवाले से एक रात को छोड़कर बाकी सारी रिवायात ज़ईफ़ पर मौजू हैं, तो इस रात में इबादत करना और दिन में रोज़ा रखना बिदअत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अपनी मगफरत करवाइए, जी रिवायत ज़ईफ़ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। 15 शाबान का रोज़ा, 15 शाबान की रात में क़याम करो, दिन में रोज़ा रखो, बिदअत है जी, ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सवाल है, शुगर की मरीज़ है, रोज़े नहीं रख सकती और फिदिया देती है, ठीक है जी, दे सकती है, दुरुस्त है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सवाल ये है कि खातून कहती है कि मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, बच्चे छोटे हैं, नमाज नहीं पढ़ेगी और बेनमाजी होकर मरेगी तो जहन्नम जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। 15 शाबान के बाद रोज़े रख सकते हैं, 15 शाबान के बाद रोज़ा रखना मना है, इल्ला ये कि जिसकी हर महीने आदत हो तो वो आदत के मुताबिक रख सकता है, लेकिन अगर कोई शाबान को मखसूस करके 15 के बाद रोज़े रखता है तो बिदअत है और मना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अगर मेरी माँ ज़िंदा होती, इन अल्फाज के साथ कोई हदीस साबित नहीं है।